अम्मी आप भी तो कुछ पूछ लेना, वरना हमारे जाने के बाद ये लोग कहेंगे कि बहू तो बड़ी तेज थी, बड़े सवाल किए जा रही थी, बहुत बोल रही थी, और सास तो बिल्कुल अल्लामिये की गाय थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा अपनी बीवी को कि वो अम्मी से जबान चलाए। हालांकि बेटों का फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवियों से माँ की इज्जत करवाए। रहने दो, इन औरतों की लड़ाई में मत पड़ो, मर्द के लिए ना न्यूट्रल रहना ही बेहतर है। अरे कुछ खौफ आप भी कर लीजिए, रात के इस पहर आप खड़ी होकर मुझसे पूछ रही कि बिरयानी की प्लेट कहाँ गई। अरे इसीलिए कहती हूँ कि घर अलग कर लो, अब तो खाने पीने में भी हिसाब किताब होने लगा है इस घर में। इतना बुरा बर्गर है, इसलिए मैं कह रही थी बाहर चलते हैं। सबर शुक्र से खाने की आदत डाल। मेरी भतीजी जब खाने पीने में नखरे करती है ना, तो मेरी अम्मी कहती है यहाँ तो तुम्हारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन ससुराल जाके क्या करोगी। अच्छा तो तुम मुझे अपने घर में एडजस्ट होने की आदत डाल रहे हो। तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। वहां से मैं तुम्हारे खातिर कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। ये सब कहने की बातें हैं। खैर मेरी अम्मी मेरे लिए लड़की देखनी है, तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के हाथ पीले कर लो। मेरी बात ना तुम गौर से सुनो, या तो इन हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी या फिर ये तुम्हारी होने वाली बीवी के कौन से लाल होंगे। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आखिर क्या कमी है मुझमें? कमी तुम्हें नहीं, कमी मुझमें है, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई कितने हो गए? वहां जाके ना किसी को तंग नहीं करना, पता है ना वो मानी नाराज हो जाती हैं। अस्मा जी कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा, हम नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा अकेली जा रही हो या तुम्हारी मियां भी साथ जा रहे हैं? नहीं बस मैं और शाहजेब अकेले जा रहे हैं, रिक्शे में चले जाएंगे हम। रिक्शे में क्यों जाओगी भाई, नसीर को बोलो कि जमाल से गाड़ी ले आए, गाड़ी में चले जाओ दोनों, कहाँ रिक्शे में धक्के खाओगे। नहीं वो उनको कुछ काम था इसलिए। दिन रात वो आवारा गर्दियां करता है और तुम्हारे वक्त में उसे काम याद आ जाता है। अब रिक्शे के पैसे भी दिए, वो भी अम्मी से लोगी। आपको कोई काम था मुझसे? हाँ काम तो था, पर अब क्या फायदा। नहीं नहीं बोले वो मैं ये कह रही थी कि मैंने सालन चढ़ा दिया है, अगर तुम आज रोटियां डाल दो तो। पता है मुझे आज मेरे काम का दिन है, लेकिन पता है क्या, वो चाचा का फोन आया था, कह रहे थे चच्ची बहुत बीमार है, कुछ पता नहीं कब निकलने ऊपर, तो तुम आ जाओ देखने के, तुम्हारा नाम पुकार रही है बार बार। अब तुम मुझे बताओ चच्ची को देखने जाऊं या स्टप्पर के लिए रोटियां डालूं मैं, है? तो प्यार जो करती है चच्ची मुझसे, बस दुआ करो बहन उनकी रूह निकलने से पहले एक बार मैं उनको देख लूं। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, मैं डाल लूंगी रोटियां। है डाल लोगी तुम रोटियां? ना अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा सुनो वो रोटियां डालोगी ना तो साथ साथ सालन को भी देख लेना, ज्यादा खुश मत कर देना है, अगर शोरबा कम पड़ गया ना तो इस टब्बर को पूरा नहीं होगा, ठीक है? और हाँ अम्मी अगर पूछेंगी ना कि मैंने तुम्हें बोला है तो बोल देना कि नहीं मैंने नहीं बोला था, तुमने जबरदस्ती मुझे भेजा, ठीक है? है आई लव यू। अगले हफ्ते चलेंगे, ठीक है? जाओ खेल लो भी। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, तुमने तो अपनी अम्मी के यहाँ जाना था आज। फिर
फिर किसी दिन चली जाऊंगी। लेकिन बेटा ये तुम रोटियां पकाने क्यों खड़ी हो गई हो? आज तो अजरा के काम का दिन है ना। उनके चचा का फोन आया था कि चची की तबीयत बहुत खराब है, उनकी आयादत के लिए गई। लो फोन भी आ गया है, वो चली भी गई और हमें पता भी नहीं चला। और जल्दी में गई थी ना, इसलिए शायद आपको नहीं बताया। मैंने हमेशा ये देखा है, जब उसके काम का दिन होता है ना, उसके खानदान में कोई ना कोई या बीमार हो जाता है, या कोई फौतगी हो जाती है, या वो खुद बीमार पड़ जाता। कल भी तो जा सकती थी ना वो अपनी चची को देखने। चची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, कह रही थी कि हो सकता है कहीं आज दम ही ना निकल जाए। ये तो जैसे कोई बहुत बड़ी नर्स है ना, जो सांस निकलने से रोक देगी वो। अच्छा छोड़ो तुम ये काम, कोई जरूरत नहीं है रोटी पकाने की। अब्बू आएंगे, जमाल भाई आएंगे तो क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। और आज जमाल आएगा ना तो मैं उसे तफसील से समझाऊंगी कि इसको कुछ समझाए, बहुत ही दिमाग खराब हो गया इसका। भई अगर चची की तबीयत इतनी खराब थी तो हमें भी साथ ले जाती, बात बन जाती कि ससुराल से कोई आया है। और तुमने क्यों नहीं बताया? तुम बता देती मुझे कि वो जा रही है तो मैं पहले उससे रोटियां पकवा लेती ना। जमाल आए ना आज तो मैं उसे तफसील से बताऊंगी कि इस औरत ने तो नाक में दम करती है। आए दिन इसके घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कोई फौतगी हो रही है, और आज स्वयं है, आज 40वां है, उसने तो जरूर चले जाना, ऐसे थोड़ी चल सकते घर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय हाय, चची नहीं बचने की, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए, बस आज खबर आई कि कल आई। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी चची को? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या बीमारी आ गई? अरे अम्मी, आजकल जो हो रहा है अचानक ही तो हो रहा है, देखा नहीं कैसी कैसी वबाएं फूट पड़ी हैं, अल्लाह माफी। और वैसे भी चची अचानक बीमार नहीं हुई है, तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी। चचा मुझे ही नहीं बता रहे थे कि सोच सोच के हलकान होगी अजरा। मेरी तो आदत है हर एक की दुख बीमारी को दिल पे लगा देती हूँ, और चची को तो प्यार भी बहुत है ना मुझसे, कसम खुदा की हाथ पकड़े बैठी रही, मेरा जाने नहीं दे रही थी, कहती अजरा अभी जाने नहीं दूंगी तुझे। फिर मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा चची मुझे जाने दो, वक्त से अगर घर ना पहुंची ना तो हमारी सास जो है वो बुरे बुरे मुंह बनाएंगी, और हमारे ससुर कहते हैं कि रात के खाने के वक्त सबका घर में होना लाजमी है, अगर मैं ना पहुंची ना तो किसी के हलक से निवाला नहीं उतरेगा मेरे बगैर, बड़ी बहू भाई घर की। तो जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अरे ये क्या बात की आपने, है वहां पर मौत का फरिश्ता मेरी चच्ची की रूह कब्ज करने के लिए खड़ा हुआ था, और मैं यहाँ आपके दरबार में हाथ दे देती कि अम्मी मैं जा सकती हूँ चच्ची की हालत को कि नहीं, है कैसी बातें कर रही हैं आप? कसम से मैं तो इतनी जल्दी जल्दी में निकली हूँ, अस्मा को बस मैंने कहा कि अस्मा मैं जा रही हूँ अम्मी को बता देना, और सारे रास्ते में रोती भी गई हूँ कसम से। रक्षे वाले ने दो जगह रक्षा रोका है कि बाजी आपको पानी ला दो, मैंने कहा ना 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 तू बस मुझे चच्ची के पास पहुंचा दे इससे पहले कि वो मर जाए। कसम से ऐसा जन्नत से हवाई जहाज की तरह रक्षा भगाया उसने, 15 मिनट में चच्ची के पास पहुंचा दिया मुझे। हाय सोचे जरा, गैर था वो रक्षे वाला, लेकिन कितना एहसास था उसको मेरी तकलीफ का। पर यहाँ तो किसी को मेरे दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। देखो अजरा, इस घर में अभी दो बहुएं और भी आनी, अगर तुम्हारे ये तौर तरीके रहे तो वो भी तुम्हारे देखा देखी यही कुछ करेंगी ना, ये तो गलत हो जाएगा घर। अब देखो अस्मा को, वो जब अपनी अम्मी के घर जाना चाहती थी उसने आके मुझसे पूछा, ये है असूल की बात। अच्छा तो अब समझी मैं, ये अस्मा ने कान भरे हैं आपके मेरे खिलाफ है, ये आग उसकी लगाई हुई है। उसको क्यों तुम इल्जाम दे रही हो, उस बेचारी ने तो तुम्हारे जाने के बाद रोटियां पकाई हैं। हाँ तो क्या एहसान किया उसने मुझ पे, जब वो उम्मीद से थी ना तो उसके हिस्से का सारा काम मैं करती थी, बताया नहीं आपने उसको ये बात है? तो अब ये बात यहाँ कैसे आ गई? क्यों नहीं आ गई भाई, जब आप मुझे यहाँ पे बैठ के अस्मा के एहसान गिनवा रही हैं तो उसको भी बताए कि मैंने उस पे कितने एहसान किए हैं, और अगर आप नहीं बताती तो मैं बताती हूँ। अस्मा, अस्मा जी, जी भाभी
ये ले पानी खेल। अरे हटा ये ड्रामेबाजी। अगर तुम्हें मेरे हिस्से का काम नहीं करना था तो मुझसे साफ साफ कह देती, मैं नहीं जाती चच्ची की आदत के लिए, काम कर लेती घर में बैठकर। मगर मेरे पीछे तुमने जो आग लगाई है ना, ये सही नहीं किया तुमने। नहीं नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। कोई जरूरत नहीं है वजाहत देने की, इसकी तो आदत है बात बेबात वावेला मचाती। अच्छा, मेरी आदत है वावेला करने की या कि आपकी आदत है वावेला करने की? मैं चच्ची की आदत को गई थी, कोई चिड़िया घर की सैर करने नहीं गई थी। क्या हो गया? क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। फेल वेल तो नहीं हो गए? अल्लाह ना करे। मेरी जिंदगी में इम्तिहान के अलावा कोई मसला नहीं हो सकता। देखो, मुझे तो एक ही मसला पता है, वो ये है कि तुम दुकान पे बैठना नहीं चाहते और अब वो तुम्हें दुकान पे ही बिठाएंगे। इसके अलावा तुमने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया। मोहब्बत तो नहीं हो गई? किसी को पसंद तो नहीं करते? भाई ये भी हो सकता है कि तुम उससे इजहार न कर पा रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं भाई दोबारा तुम्हारे पे आप पे कह दूंगा। वो तो पागल वागल ढंग ही हो गया, क्यों मुझे मनवाने वाली बातें कर रहे हैं? और ये पसंद की शादी ना हमारे खानदान में नहीं होती, तू तो जानता है। अबू लड़की अपनी पसंद से ही लेके आएंगे। देखो कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। निकाह कर लो जल्दी से, बताओ कौन लड़की है। अच्छा 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 अच्छा, इजी मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया है? रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा चल हट, क्या काम है? यार वो तुम्हारी ब्लू वाली शर्ट नहीं है जो लास्ट वीक ली थी, वो चाहिए। अच्छा लोगो वाली? हाँ वही। अच्छा वो वाली शर्ट चाहिए, मुंह देखा बेटा अपना, निकल। ब्लू वाली शर्ट चाहिए वो मैंने खुद नहीं पहनी, मैं तुझे दूंगा। अब यूनिवर्सिटी जाते हुए बाइक खराब हो ना तो कॉल मत करना, ना मैं आऊंगा ना तुम्हें बाइक दूंगा, देख लेना। यहाँ से नहीं दूंगा बाइक, इससे बेहतर बंदा सांप पाल ले। ब्लू वाली शर्ट चाहिए मुझे। भाई बहुत मजे का पक्का है पालक गोश्त। आखिर मैंने बनाया, अच्छा तो होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। वो जमाल, चच्ची की ना तबीयत बहुत खराब है, परसों देखने चलेंगे उन्हें। ठीक है। क्यों, आज तो तुम गई थी, अब अगले हफ्ते चली जाना? एक हफ्ते का टाइम नहीं है उनके पास, हालत बहुत खराब है, अभी निकली कि कभी निकली, किसी वक्त भी खबर आ जाएगी। अच्छा तो फिर कल के नहीं जाओ, कल अस्मा काम करने की और तुम परसों। ठीक है अम्मी, जिस तरह आज मैं सारा काम निपटा के गई थी ना, उसी तरह सारा काम निपटा के जाऊंगी और उसी सूरत में जाऊंगी अगर आप इजाजत देंगे तो। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो नहीं जाऊंगी, और अगर किसी ने शिकवा किया ना तो कह दूंगी कि भाई हमारी सास ने मना कर दिया था इसलिए हम नहीं आए। नहीं 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 भाई नहीं, रघु जाओ, बीमार की इयादत के लिए जाना बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना। जमाल तुम ऐसा करना, दुकान से जल्दी उठ जाना, अजरा और बच्चों को लेके ना चले जाना। ठीक है अबू। चलो, अच्छा खाना बनाने का एक तो फायदा हुआ, हमारे ससुर ने हमें इजाजत दे दी जाने की, वरना अगर मलिकुल मौत भी आए ना तो उसको भी कहना पड़ेगा भाई अभी रुक कब्ज मत करना, पहले हमें अपने सास ससुर से इजाजत ले लेने दो। है ना हजरत, रोटी दोगी तो? हाँ अच्छा, भाभी मुझे भी दे दे। सबके सामने रोटियां पड़ी हैं, लेकिन मुझसे मांगोगे? खाना पका लिया काफी नहीं, अब खा तो खुद रहो।
क्या बात है रामीन, जब से यूनिवर्सिटी से आई हो नीचे ही नहीं आई। तो आपको कोई काम था मुझसे? क्या मतलब कोई काम था? मेरा दिल करता है कि तुम मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। चलो। और वो जिम्मी भी आया है। फॉर गॉड सेक मामा, उसको जिम्मी नहीं जमशेद बोला करे। जिम्मी मुझे किसी कुत्ते का नाम लगता है। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो रामीन। आई रियली डोंट वांट टू क्रॉस माय लिमिट्स, लेकिन मैं इसी वजह से ना आपके साथ बैठती हूँ और ना ही उस जमशेद से मिलती हूँ। बेटा वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारी खाला का बेटा है। मॉम खाला तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनकी फैमिली को पैसे का इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। मतलब दो मिनट आप जिम्मी के साथ बैठ जाए, वो ऊपर से नीचे आपको बता देगा कि उसने कौन सी चीज कितने की पहनी हुई है। जाहिर है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेस तो डैड का भी है, हम तो इतना शो ऑफ नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती आखिर तुम्हें जिम्मी से प्रॉब्लम क्या है। और तुम जानती हो उसे हम तुम्हारे लिए कंसीडर कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि आपकी इस कंसीडरेशन को मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे डैड अमेरिका से आ जाए, आखिरी फैसला उनका होगा। आखिरी फैसला डैड का नहीं, मेरा होगा। और जिम्मी के हवाले से अपना डिसीजन मैं ले चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारे डैडी समझाएंगे। जोर से दबाओ। जोर से दबा रहा हूँ। जान लगाए। ये क्या है? अरे वासिफ, कल से तुम दुकान पे आना शुरू कर दो। जी अबू। अरे जी क्या? मैं कह रहा हूं कल से दुकान पे आना शुरू कर दो। अबू इम्तिहान खत्म हो जाए। तुमने कहा था अगले महीने इम्तिहान खत्म हो रहे हैं। अब वो भी महीना खत्म कहाँ हुआ है? अच्छा ठीक है, एक महीना और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को तुम्हें दुकान पर पहुंचना है शराफत से। जमाल बेटा, दुकान की चाबियां इसे दे दो, ये सबसे पहले जाएगा और जाके दुकान खोलेगा। ठीक है बस, जरूर जरूर। और बेटा वो अनवर के बेटे का फोन आया था, वो कुछ कर्ज मांग रहा था, कह रहा था कि कारोबार की हालत बहुत खराब है। अब्बा हमारे कारोबार की हालत तो और भी खराब है। ग्राहक आता है दुकान पे, तोल मोल शुरू कर देता है, जो जूता पैरों में पहनाता है ना, जी चाहता सर पे देके मारूं उसे। हाँ सबका यही हाल है, लेकिन बहरहाल अब अनवर के बेटे को मारा भी तो नहीं कर सकते ना। जरूर कोई परेशानी होगी तो उसने कर्ज मांगा है, तो मैंने सोचा कि तुमसे और नसीर से मशवरा कर लूं। ये नसीर है कहाँ? अम्मी ने बुलाए। तू पहली तारीख से पहुंच जाए ना लास्मी। तुम वायल हो गए। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ नसीर। अस्मा को हम ब्याह कर लाए और अब वो हमारी जिम्मेदारी है। अम्मी रखता तो हूँ मैं उसका ख्याल, अब क्या उसे सर पे बैठा लूँ? क्या ख्याल रखते हो तुम? हर वक्त तुम अस्मा से बेजार रहते हो। ना तुम्हें बच्चे से उनसियत है, ना तुम्हें उससे उनसियत। मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने मेरी नहीं मानी। मेरी मर्जी के बना उसे मेरे सर पर लाकर बैठा दिया, अब मैं उसके नखरे भी उठाऊं? नसीर कहां करती है वो नखरे, और क्या बुरा था अगर तुम उसको उसके मैके ले जाते तो? उसने आपसे मेरी शिकायत की है? नहीं, अल्लाह का भाई उसने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। मेरे पास आई थी इजाजत मांगने के लिए, तो मैंने कहा कि नसीर से कहो वो तुम्हें छोड़ आएगा। उसने बताया कि तुम काम कर रहे हो इसलिए नहीं ले जा सकते। हाँ तो ठीक है अम्मी, मैं मसरूफ था, मेरे पास काम था, मैं उसे नहीं ले जा सकता। देखो नसीर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और अब भी बता रही हूँ, अपना रवैया उसके साथ दुरुस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि एक साबिर बच्ची की आह तुम्हें लगे या मुझे लगे। आपको उसका सबर नजर आता है, लेकिन मैं जो दिन रात उसकी सूरत देखकर सबर के घूंट पीता हूँ वो नजर नहीं आता आपको। बेटा किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवियां। किस्मत वालों को मिलती है।
बात सुनो। बोलो। बात सुनो मेरी बहन, अम्मी की हरकत देखी आज? क्या किया मैंने? देखा नहीं था, कैसे सबके सामने तंस कर रही थी मुझ पे कि आज तो गई थी चच्ची को पूछने, अब परसों जाने की क्या जरूरत है। मैंने बताई कोई बात है? सही तो कह रही है अम्मी, एक बार अयादत कर ली बार बार जाने की क्या जरूरत है, बीमार के घर जाके चाय पानी के लिए परेशान करना। भाई तुम लोगों के खानदान की जो है ना, मुझे समझ नहीं आती ये कोई बात हुई कि अगर कोई बीमार है तो एक बार उसको पूछने जाओ, उसके बाद जब वो मर जाए तब जाओ। है बीमार को पूछने के लिए भी इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ कल को मर गई ना चाची, चार दिन बाद उनकी इतला आ गई ना, तो फिर सर पकड़ के बैठी होंगी कि काश मैंने अजरा को जाने दिया होता। अब्बा ने कह दिया ना ले जाऊंगा तुम्हें। वो तो तुम मुझे लेके जाओगे, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि जाने के नाम पे उनका मुंह बन गया था, अब अगर पीछे से तुमको चाबी भरेंगी ना तो कह देना कि क्या हो गया अम्मी अगर बेचारी चली गई चच्ची को पूछने के लिए, तो दो लफ्ज मेरे हक में भी बोल देना, समझे कि नहीं। ये लो खेलो गेम अपने, यहाँ जो घर में गेम चल रहा है ना उसकी भी खबर रखो जरा। बहुत बोलती हो भाई। तुम्हारी अम्मा से कभी बोलती हूँ मैं। किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तो इनको यही लहजा समझ में आता है। लड़की देखने गई थी ना वासिफ की, मुझे तो लेकर नहीं गई जब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कैसी बात की तुम? हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो, अगर कोई गिना बनता है तो वो अस्मा का बनता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आज तो बड़ा पौधों को पानी दिया जा रहा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये पौधे हमारे हैं, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। तो जिस तरह बहुओं के कामों के दिन बांधे ये भी उन्हें बता दें। तुम्हें तो पता हमारे घर में तो सिर्फ अस्मा है जो भाग भाग के काम करती है खुश होके, और अजरा वो तो हर काम ऐसे करती है जैसे सर से उतार रही। अच्छा मेरी बात सुने गौर से। मैं वो बताने आई थी जिस लड़की का मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो हमारे मोहल्ले में रहती है उसकी मंगनी टूट गई। आप कहे तो वासिफ के लिए देखने चले। क्या मंगनी क्यों टूट गई? उसकी अम्मी बता रही थी कि लड़का पहले से शादीशुदा निकला है, उन्होंने ये बात छुपाई थी, लेकिन फेसबुक पे लड़की के कजन ने तस्वीर कोई देख ली। अच्छा भाई बहुत धोखा है, बहुत धोखा है। देखो तो अब जब तुम समन की शादी करने लगोगी ना तो बहुत देखभाल के करना। ये बात तो है बाकी, बस आप भी जब लड़कों के रिश्ते करो ना तो बहुत देखभाल करना। आजकल की लड़कियों का भी कुछ पता नहीं है किस खानदान से है, कहां से आई है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस लड़की का मैं आपको बता रही हूँ ये समन के अबू के पुराने मोहल्ले में रहते थे, और वो बता रहे थे कि बड़े अच्छे और शरीफ लोग हैं। तो ठीक है उनको जाके मिल लेंगे, पता चल जाएगा सब। जरूर बिल्कुल। अच्छा छोड़िए लाइए, मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। खैरियत है? वो वहां तुम यहाँ, फिर से लड़ाई की है क्या? अली मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों का, अभी दो चैप्टर बाकी है मेरे। जो वहां चैप्टर है उसे कौन क्लोज करेगा? क्या मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? I just take her as a friend, मगर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी करती है जिस पर लड़ाई हो जाती है हमारी। मुझे मेरी फैमिली का पता है, मैं रामिन को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता, मगर उसे ये बात समझ नहीं आती। इतनी सेन एंड सॉर्टेड लड़की, सरदर्द बन गई मेरा। मेरा मासूम दोस्त, वो मोहब्बत करती है तुमसे, शी लव्स यू। और मोहब्बत में ना कोई सेन एंड सॉर्टेड नहीं होता, मोहब्बत में योर
deeply, madly, insanely in love. अच्छा तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने घर वालों के सामने स्टैंड लो, शादी करो इससे, क्यूट क्यूट से बच्चे पैदा करो जो मुझे चाचू चाचू गए। यार बात स्टैंड लेने की नहीं, हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूँ उसे कोई उसी की क्लास का लड़का मिले और वो मेरा पीछा छोड़ दे। कैसे पीछा छोड़ दे? अब तुम्हारी उसके अलावा कोई और लड़की दोस्त भी नहीं है। एंड गर्ल्स दे जस्ट लव दैट। उसे यही तो तुम्हारी बात बहुत पसंद है। उसे लगता है कि तुम उसके साथ बहुत सिंसियर हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसे दिखाने के लिए मैं कोई अफेयर चलाऊं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया पे बाद में अमल करना, पहले जाओ उसे मनाओ। आई मीन जस्ट लुक एट हर फेस। कौन है भाई, कौन है? तुम पागल पागल तो नहीं हो? तमीज नहीं है, जोर से दरवाजा बजा रही हो। पता होता ना कि तुम्हारी शक्ल देखनी है तो नहीं आती। अम्मी तुम लोग के घर पे? देख ली शक्ल, चलो भागो यहां से। मुझे अम्मी से काम है, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे यार थोड़ी देर के लिए शहनाज खान आती है सुकून का सांस लेने के लिए, तुम फिर पीछे से आ जाती हो। अजरा भाभी रहती है तुम लोग के घर में, सुकून कैसे हो सकता है? बस बातें करवा लो, रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता छोड़ो अम्मी, बात सुनो। बेबी बाजी मैं तो कहती हूँ कि अजरा को साथ ले जाकर रिश्ता देखा, कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह इसका रिश्ता भी तय हो जाए। अरे अजरा का तो नाम ही मत, वो साथ जाएगी तो वहां जाकर के कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देगी, लड़की वाले खुद मना कर देगी। अब उस लड़के की मंगनी भी टूटी हुई है, ये साथ होगी जाके 10-10 बातें करेगी। पहले हम चले जाते हैं, 2-3 दिन के बाद देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे बता देना फिर मैं उन्हें फोन कर दूंगी। वैसे वो जो दूसरी लड़की हमने देखी थी ना, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। तो फिर देर क्यों कर रही है, कर देना मंगनी। हाँ देखते हैं, ये देख लें फिर कुछ फैसला करूंगी। आ रही है, अब उसके सामने कुछ मत बोलना। फिक्र ही मत करें। क्या बात है, बड़ी खामोशी आप दोनों के होते हुए है। क्या बात है, मेरे आते ही चुप लग गई आप लोगों को। शनाज अगर मेरी बुराइयां कह सुन ली हो तो मैं भी बैठ जाऊं? तौबा तौबा अजरा, कभी तो कोई अपने मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। भाई चच्ची बीमार है मेरी, अच्छा कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे, बस ध्यान वही लगा हुआ है। जरा ध्यान बटाओ, बावर्ची खाने में जाके चाय का पानी रख दो, शनाज भी चाय पी लेगी। शनाज नहीं पीती ये बेवक की चाय, ये आप ही के शौक है, सड़ी गर्मी में चाय चाहिए इन्हें। देखा कैसा उल्टा जवाब देकर गई, और मुझे पता है क्यों चाहती ये है कि घर में कोई फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और इसे बहाना मिल जाए अलग होने का। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बेबी आंटी देख ले, इस वलीद को बहुत तंग कर रहा है मुझे। वलीद क्या मतलब, इसने कहा और आपने यकीन भी कर लिया? हाँ क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। अच्छा मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ ना, मेरी बात सुने, आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसको। अच्छा अच्छा मत तंग करो उसे। कोई तंग नहीं करा मैं। रुको तो बच्चे भी ना बस। इसकी समझ नहीं आती मुझे। कितने चैप्टर हो गए? किनसे मतलब? तुम्हें भूख नहीं लग रही आज? जितना पेट भरना था ना कल भर लिया। क्या देख, तो तुम खुद गलती करती हो, तो तुम नाराज भी खुद होकर बैठ जाती हो। Why don't you understand? तुम मुझे समझाने के बजाय अपने आप को समझाओगे ना तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मुझे मैं रोज आना मेरे घर के चक्कर लगा रहा है, तुम एटलीस्ट प्रपोजल तो लेके आ जाओ यार, मेरी जान छूट जाएगी उससे। रामीन मेरे अलावा ना इस दुनिया में हजार लड़के, एक ही बात बार बार दोहरा के मैं थक चुका हूँ। एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से उठो और चले जाओ। तुम ना मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रही हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ। तो तुम बुरा ही कर रहे हो। मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं चाहिए था।
क्या हो गया वासिफ? अरे कहाँ जा रहे हो वासिफ? सफर करो। आज बहुत देर कर दी आपने आने। शाज़र पूछ रहा था। मेरे आने जाने पर नजर मत रखा करो। मैं कब जाऊं कब आऊं ये मेरी मर्जी है, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं परेशान हो गई थी इसलिए। दिखावे की परेशानी मुझे मुतासर नहीं करती। और बात सुनो, तुमने अम्मी से क्या कहा कि मैं तुम्हें मैकर लेकर नहीं गया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि आप मसरूफ हैं। बस कर दो, बस कर दो, मेरा मूड नहीं है तुमसे बहस करने का। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ, अब बहुत देर हो गई, अब सो जाओ। अम्मी 50 रुपए देना। किस खुशी में 50 रुपए भाई? वो आइसक्रीम वाले आए, मुझे आइसक्रीम लेनी है। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज आइसक्रीम खाने की, चलो जाया से। चलो ठीक है, फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताएगी? है एक बात। जल्दी से बता क्या बात है। पहले 50 रुपए तो दो। बहुत ही कोई ब्लैक मेरन किस्म की लड़की है। आप 100 रुपए दे दो। हाँ, फिर एक मेरी भी आइसक्रीम लेकर आना। अच्छा अब बता जल्दी से क्या बात है। वो दादी अभी गई है शहनाज आंटी के साथ। कब गई है? थोड़ी देर पहले ही गई है, लेकिन बड़ी खामोशी से गई है। इधर आ, करीब आ। अब बता दी मुझे है। अम्मी क्या गेम खेल रही है बड़ी भी मुझसे छुप कर? समन से उगलवाऊंगी, बुला कर आऊ उसे। नहीं जा, आइसक्रीम ला, चला जाएगा आइसक्रीम वाला, भाग के जा। जाती जाती। बहुत तेज है ये औरत, मैं भी पता लगा के दम लूंगी। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। शर्म मजा खराब कर दिया ड्रामे का। अम्मी बस बाकी रात को कर लूंगा, अभी उमर के साथ खेलने जाऊं। पूरा होमवर्क खत्म करो और उसके बाद रात में जल्दी सोना है। फिर खेलूंगा मैं कब? अच्छा ठीक है, काम खत्म करो फिर थोड़ी देर खेलने चले जाना। से तुम दोनों खेलते कहाँ हो? थोड़ी देर में तो लड़ाई हो जाती है। मैं नहीं लड़ता, उमर शुरू करता है लड़ाई, बिल्कुल अपनी अम्मी पे गए हैं। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। मैं थोड़ी कहता हूँ, दादी कहती है। दादी बड़ी है, वो किसी को कुछ भी कह सकती। आप छोटे और छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं। आइंदा ताई के बारे में मैं आपके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनूं, ठीक है? चलो होमवर्क करो। अच्छा भाभी, आपने बुलाया? हाँ हाँ, बैठो बैठो। कहोगी? नहीं नहीं। अच्छा, क्या वो ये कह रही थी? तो मेरी अम्मी क्या ना, बड़े जबरदस्त लॉन के कपड़े आए हुए भाई। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी पसंद बता दो तो एक जोड़ा तुम्हारे लिए भी ले लो। अरे नहीं नहीं अजरा भाभी, मैंने ना 3 जोड़े खरीद लिए, और लूंगी तो अम्मी गुस्सा करेंगी ना। अरे भाई, खरीदने के लिए कौन कह रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हें तोहफा दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का कलर पूछ रही थी। मेरा ख्याल है ये गुलाबी रंग बड़ा जचेगा तुम पर है, गुलाबी रंग का कोई सूट क्या देती हूँ। अब देखो ना, आप अगर तुम्हारी अम्मा आ जाती तो वो भी अपनी पसंद बता देती है, उसके लिए भी एक जोड़ा रख लेते। अम्मी तो बेबी आंटी के साथ गई है। अच्छा, कहाँ गई है?
वो सुमैरा नहीं है जो तीसरी गली में रहती है, जिनके घर में आम का दरख्त है, उनकी बड़ी बहन को देखने के लिए गई है वासिफ भाई के लिए। अच्छा चल तुम जाओ। जाऊं? चले ठीक है। अंबर, अंबर जी। अम्मी कपड़े इसने कर और भाई को भी तैयार कर, हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। इस वक्त? हाँ इस वक्त। ज्यादा सवाल जवाब मत कर और अपने अब्बा को फोन करके बोलना कि शाम को हमें लेते हुए आए। ठीक है। सारी आइसक्रीम का मजा किरकिरा कर दिया। खूब खिचड़ी पका दी बुढ़िया। मैंने भी जहर ना डाला ना इस खिचड़ी में तो मेरा भी नाम नहीं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? अरे ऐसी हलकान किया हुआ था, तबीयत बिल्कुल ठीक है। हल्का सा बुखार था, वो आज उतर गया। तौबा है भाई, तुम लोग तो अपने खानदान की दुख बीमारी के अलावा किसी और की दुख बीमारी को कुछ समझते ही नहीं हो। हर बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो तुम? अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करो। घर की बड़ी बहू, अभी दो बहुएं और आएंगी, क्या सोचेंगी वो? और तुम्हारे देखा देखी उनका रवैया भी यही हो जाएगा। रहने दे, बड़ी बहू तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, काम में तो पूछती नहीं है आप मुझे। है बड़ी बहू, बड़ी बहू कह के ना आसमान पे चढ़ाया हुआ मुझको। नजरा किस लहजे में बात कर रही हूँ मुझसे? तो इनको यही लहजा समझ में आता है। लड़की देखने गई थी ना वासिफ की, मुझे तो लेकर ही गई जब बड़ी बहू याद नहीं आई। ये कैसी बात की तुम? हर जगह तो तुम मेरे साथ जाती हो, अगर कोई गिना बनता है तो वो अस्मा का बनता है। अच्छा, और वो जो बड़ी दोपहर में चादर ओढ़ के छुपके से शहनाज के साथ तीसरी गली में लड़की देखने गई थी, वो क्या है? वो तो शहनाज ने कहा कि जरा जाके घर बार देख लें, अगर अच्छा लगेगा तो फिर लड़की की बात डालेंगे। हाँ हाँ, तो घर बार देखने के लिए ही ले जाती ना बड़ी बहू को, है मेरी इज्जत ही रह जाती कुछ। अब जब वासिफ की शादी होगी तो लोग तो बातें बनाएंगे कि बड़ी बहू को तो पूछा ही नहीं, फिर क्या जवाब देंगी आप? अब ये बातें जताओ आपकी अम्मी को तो कहते हैं बदतमीज है, बदतमीज है। सारे तमीज के तोड़ के ना मुझे ही समझाने के लिए रह गए। जाओ बच्चों, जाओ बाहर जाके खेलो, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात करनी है। देखो जमानस, इसका मिजाज दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। अम्मी अब साथ ले जाती ना पूरे महीने इस बात पे लड़ेगी। बेटा खाक ले जाती, जब भी मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ वहां जाकर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती है कि शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब जिसके यहाँ हम गए हैं उस लड़की की मंगनी टूटी हुई है, ये साथ जाती तो कोई ना कोई बात ऐसी लगा देती ना। देखो जमाल, मैं उन माओ में नहीं हूँ जो बेटों को बिठा के बहुओं की बुराइयां करेगी, मगर अब तो इसका रवैया नाकाबले बर्दाश्त हो गया। और ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये वासिफ की शादी से पहले कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा करेगी, इसे बहाना मिल जाएगा अलग होने का। मगर मैं तुम्हें बता दूं जमाल, कि मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं हो। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने तो आज तक बंटवारे के बारे में सोचा भी नहीं। मैं तो बेटा बस तुम्हें तुम्हारी बीवी की सोच का बता रही हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो, उसको कैसे कंट्रोल करना है ये तुम जानते हो।